तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अब हम चलेंगे आज गंगा जी घूमने, और आज हम आए गंगा जी घूमने और दर्शन करने। तो चलिए आप लोगों को घुमाते हैं और दर्शन कराते हैं। तो मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं अजीत सिटी ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं और चलते हैं। चलते हैं गंगा जी घूमने और आपको भी दिखाते हैं गंगा जी का नज़ारा। ये रेत वगैरह तो पहले होते थे, अभी तो माटी हो गया है। क्योंकि क्योंकि मैं बता दूं कि ये पानी भरा होता है ना पूरा गंगा जी, जब बाढ़ उड़ आती हैं तो पूरा पानी हो जाता है। तो अभी रेत नहीं है, अभी मिट्टी मिट्टी है। अभी खेती हो रहा है, खेती हो रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा है, अच्छा है। फसल उगेगा, मतलब परवर वगैरह हो गया, परवरा नहीं होता है, परवरा। तो अब हम चलेंगे गंगा जी की तरफ। और ये देखिए पीछे मेरे गंगा जी, गंगा मैया, सॉरी गंगा जी नहीं, गंगा मैया। तो अब हम दिखाते हैं आपको चल के और हम करेंगे इंजॉय। तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों, मैं सोचा आप लोग को भी गंगा जी का दर्शन करा दूं, और वो भी पास से। तो चलिए पास से देखते हैं और पास से गंगा जी का दर्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। वाह, नहा तो नहीं सकते बट पानी से निकल के तो हो जाएगा कि नहा लिए, क्योंकि शाम हो गया ना और कपड़ा भी नहीं लाए तो नहा भी नहीं सकते हैं। मैं आया था ऐसे ही घूमने के लिए, तो मैं सोचा एक ब्लॉग शूट ही कर लेते हैं। क्या क्या जाता है शूट करने में। तो अब हम चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, देखते हैं। ओहो, ठंडा ठंडा पानी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। वाह वाह वाह, इट्स इमेजिक। देख सकते हैं कि गंगा जी मछलियाँ कैसे लोग मारते हैं, और ये है मछली मारने वाले लोग। और देखिए गंगा जी के अंदर कैसे मछली मार रहे हैं लोग। नाव है, नाव के ऊपर लोग बैठे हैं दो लोग, और जाल फेंक करके उसमें मछली फंसाते हैं और मछली को मारते हैं लोग। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ आपको दिखाते हैं, और ये आप देख सकते हैं नया पुल बन रहा है गंगा जी का ऊपर से। ये नई पुल है, गाजीपुर का नया पुल। हम आए थे गंगा जी और बहुत इंजॉय किए, और आप लोगों को भी कराएं। और तो अब हम चलते हैं, तो अब चलते हैं और क्या।